ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। तो भाई डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करते हैं कक्षा 11 के हिंदी माध्यम के, ठीक है ना। तो हमारी क्लास है आज लोगों की 11, ठीक है, और मीडियम है हम लोगों का क्या, हिंदी मीडियम। क्या है? हिंदी मीडियम। और सब्जेक्ट है हम लोगों का बायोलॉजी। हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर, हम लोगों का चैप्टर नंबर पहला चल रहा था, ठीक है ना भाई। चैप्टर आप लोगों का क्या है? 1 जीव जगत। क्या चैप्टर आपका? जीव जगत, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जीव जगत की, तो इसके अंदर हम लोगों ने सजीव और निर्जीवों के लक्षण पढ़ लिए थे, ठीक है ना। सजीवों के सारे लक्षण हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद आपका इसके अंदर टॉपिक आता है क्या, वो सुनिएगा। नॉर्मली दो टॉपिक आते हैं, ठीक है ना, वर्गीकरण, दूसरा होता है नामकरण। क्या आता है? वर्गीकरण और नामकरण। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? वर्गीकरण का मतलब बेटा आप समझिएगा, वर्गीकरण का मतलब होता है कि सजीवों को या जीवों को उनकी समानता, किसके समानता एवं असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, ठीक है भाई। जीवों को उनकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। जैसे अगर मैं बात करूं, सुनिएगा मेरी बात, पहले मैं थोड़ा सा वर्गीकरण का इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप लोगों को। अगर मैं बात करूं कि भाई एक कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं, कितने हैं 40, और हमें क्या करना है, उन 40 विद्यार्थियों के समूह बनाने हैं। हमें क्या करना है, उन 40 विद्यार्थियों के क्या करने हैं, समूह बनाने हैं। तो मुझे अब देखना, वर्गीकरण करने के लिए भाई मेरे पास पैमाना तो होना चाहिए, भाई मेरे पास पैमाना होना चाहिए ना कि भाई वो 40 विद्यार्थी किस किस समूह से हैं, ठीक है। तो 40 विद्यार्थियों के समूह बनाने हैं, मुझे पैमाना दे दिया कि भाई उनकी रुचि के आधार पर। अब रुचि मतलब क्या होता है भाई? रुचि का मतलब कि उनका इंटरेस्ट किस में है। भाई माना कि 40 में से 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या है, पढ़ने में रुचि है, जिनकी क्या है, पढ़ने में रुचि है। 5 ऐसे हैं जो खेलने में रुचि रखते हैं। सुनिए मेरी बात, पैरामीटर हमारे पास रुचि है, आई बात समझ में। 10 ऐसे हैं जो नृत्य में रुचि रखते हैं, डांसिंग में रुचि रखते हैं, ठीक है। 5 ऐसे हैं जो स्विमिंग में रुचि रखते हैं, तैरने में, तैराक बनना चाहते हैं, समझ में आया, ठीक है। 5 ऐसे हैं जिनको दौड़ना पसंद है, दौड़ में जिनकी रुचि है, भाई खेल में भी उनका दौड़ में रुचि है, ठीक है ना, आई बात समझ में। बाकी 5 ऐसे हैं, टोटल कितने हो गए देखो, 20 और 15, 35, ठीक है ना। बाकी के 5 ऐसे जिनको किसमें रुचि है, जिनको हाँ जिनको भाई खाना बनाने में रुचि है, शेफ वगैरह बनना चाहते हैं, और बाकी 5 ऐसे हैं जिनको कोई भी रुचि नहीं है, आई बात समझ में। तो वो सबके अंदर कॉमन है। तो वर्गीकरण का मतलब बेटा क्या होता है कि जीवों को उनके समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया, वर्गीकरण सबसे पहले बेटा कैरोलस लीनियस ने, किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। हालांकि ये चैप्टर आप लोगों का थोड़ा सा सिंपल है, ये सब डिटेल में आएगा दूसरे चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। कैरोलस लीनियस ने उसने क्या कहा, उसने संपूर्ण जीव जगत को, संपूर्ण जीव जगत को दो वर्गों में बांटा, भाई कौन कौन से, पादप और जंतु, बस। तो उसने आधार क्या लिया, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन आता है कि उसने आधार क्या लिया, पोषण लिया। भाई जो अपना भोजन बनाते हैं उनको तो पादपों की कैटेगरी में रख दिया, ठीक है ना, और भोजन के लिए जो डिपेंडेबल है उनको जंतुओं की कैटेगरी में रख दिया। क्लियर है, क्लियर है भाई। कैरोलस लीनियस ने क्या किया, दो वर्गों में बांटा। अब उसके बाद हेकल नाम का एक वैज्ञानिक आया, हेकल ने क्या किया, यहां पर तो द्विजगतीय प्रणाली दी, इसको आप लोग बोलते हो द्विजगतीय प्रणाली, यानी दो जगत में बांटा, पादप और जंतु, ठीक है भाई। पादप जो थे वो हरे पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और जंतु जो है हरे पौधे, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। हेकल जो था, हेकल ने 3 समूह में बांटा, भाई पादप और जंतु। मैंने बोला कि जो सारी खोज हुई थी वो एक दूसरे से संबंधित थी बेटा, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित थी।
पादप और जंतु। और हेकल ने क्या कहा, हेकल ने इसमें मोनेरा को रखा, इसको रखा मोनेरा को रखा, ठीक है। तीन जंतु, तीन ग्रुप बने, मोनेरा, पादप और जंतु, ठीक है। मोनेरा, मून और एरा, चिंता मत करो आप लोगों की, चैप्टर नंबर दो में डिटेल में आएगा दोबारा से, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिसका नाम था आर एच विटेकर, रॉबर्ट एच विटेकर। उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को पांच समूह में बांटा, भाई मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, कवक, पादप और जंतु। ये शॉर्ट में हम लोगों को अभी इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि वर्गीकरण क्या है, जीवों को उनकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर बांटना वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। वर्गीकरण के आधार, मैंने बताया कि वर्गीकरण का एक आधार होता है, सबसे पहले जो कैरोलस सीनियस है उनको आप लोग क्या बोलते हो, वर्गीकरण का जनक बोलते हो, क्या बोलते हो, वर्गीकरण का जनक, ठीक है। अब वर्गीकरण का जनक बोलते हैं तो उन्होंने क्या किया, संपूर्ण जीव जगत को दो, पादप और जंतुओं में बांटा, आधार क्या रखा, पोषण रखा था, ठीक है। और इसे आप लोग द्विजगतीय प्रणाली भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर हेकल आए, हेकल ने त्रिजगतीय, उसने क्या दी, त्रिजगतीय, तीन जगत, अब कौन कौन से, मोनेरा, पादप और जंतु, तीन जगत दिए, ठीक है ना। और विटेकर ने कितनी दी, पांच जगत प्रणाली, कितनी दी, पांच जगत प्रणाली, ठीक है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। बस ये था आप लोगों के वर्गीकरण। अब बात आते हैं वर्गीकरण के अलावा एक शब्द आता है नामकरण, अभी सुनिएगा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। नामकरण भाई, जीवों को उनकी पहचान के लिए नाम देना, तो नामकरण जो है वर्गीकरण से संबंधित है, यानी ये किसके लिए किया जाता है, पहचान के लिए, किसके लिए किया जाता है बेटा, ये पहचान के लिए, जीवों को उनकी पहचान के लिए एक नाम देना, ठीक है। अब वर्गीकरण के बाद एक शब्द आता है, कई बार किताब में मिलता है आप लोगों की, में वर्गीकी, वर्गीकी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण वर्गीकी कहलाती है, क्या कहलाती है, वर्गीकी कहलाती है। और इस वर्गीकी के जनक कौन थे, इसके जनक बेटा कैरोलस लीनियस थे, कौन थे, कैरोलस लीनियस थे। अब कई बार आता है सर एक वर्गीकी पदानुक्रम क्या है, तो वो भी सुन लीजिएगा आप लोग, वर्गीकी पदानुक्रम, ठीक है। ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर यहाँ आज ही पूरा हो जाए, क्योंकि काफी दिन से लंबा खींच रहा है, हालांकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ पढ़ाने का है नहीं, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और नीट लेवल के ऊपर तो बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि जो वर्गीकरण है वो अगला चैप्टर पूरा डिटेल में खींचेगा आप लोगों का, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डिटेल में वर्गीकरण खींच के ले जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा, दूसरा, तीसरा और चौथा, क्योंकि इस बार राजस्थान बोर्ड के अंदर भी बेटा एनसीईआरटी का ही कोर्स आ रहा है, ठीक है ना। तो वर्गीकी पदानुक्रम, वर्गीकी पदानुक्रम, अब पदानुक्रम का मतलब क्या है, पदानुक्रम यानी वर्गीकरण की जो इकाइयां हैं उनको एक समूह में रखना, एक सिस्टमैटिक मैटर में रखना। जैसे सबसे पहला होता है जगत, ठीक है, जगत से छोटा क्या होता है, कोई भी जीव, जीव के बाद होती है जाति, जाति के बाद होता है उसका वंश, वंश के बाद होता है कुल, गण, गण के बाद होता है जगत, ठीक है, ये होता है। तो वर्गीकी पदानुक्रम यानी कि जाति, वंश, कुल, गण, जगत, ठीक है ना, हाँ, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ठीक है, गण के बाद क्लास, ऑर्डर और ये सारे के सारे आते हैं, जगत, फाइलम और, ठीक है, सब फाइलम और किंगडम, आई बात समझ में। तो जीव जो है, जीव आपस में मिलकर जाति बनाते हैं, जातियों से वंश बनते हैं, वंश से मिलकर आप लोगों का क्या बनता है, जगत बनता है, जगत से आपको कुल बनता है, कुल से गण बनता है, गण से क्या बनता है, जगत बनता है, ठीक है। आज केवल इंट्रोडक्शन लिया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम लोग क्लियर करेंगे, ओके, थैंक यू।